का वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ओल का अचार, वो भी काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। फ्रेंड्स, आप सबको आसान सा रेसिपी सिखाना मेरा मकसद है और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स, मैंने आधा किलो ओल लिया है, उसको मैंने छील के धो के और धूप में 1-1.5 घंटे के लिए सुखा दिया था। यदि धूप नहीं हो तो आप पंखे की हवा में 2 घंटे के लिए इसको सुखा दीजिए। और 150 ग्राम मैंने अदरक लिया है, उसको भी छील के मैंने धूप में सुखा दिया था। और हम काफ़ी इजी वे में बनाएंगे इसे। और इसको अदरक को मैं मिक्सी जार में डाल के पीस दूंगी, इसका थोड़ा दरदरा पेस्ट बना दूंगी। और ओल को मैं कद्दूकस कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीका से कद्दूकस करना है। ओल को मैंने कद्दूकस कर लिया है और अदरक को भी मैंने मिक्सी में मोटा मोटा दरदरा पेस्ट कर बना लिया है इसका। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चुटकी हींग, अमचूर पाउडर 3 चम्मच, अजवाइन 1.5 चम्मच। अजवाइन हाजमा का भी काम करता है, इसमें बहुत सारे मसाले वगैरह नहीं पड़ते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले लें फ्रेंड। और आप यदि हरी मिर्च खाना पसंद करेंगे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और लहसुन भी डाल सकते हैं। मुझे लहसुन इसमें अचार में नहीं पसंद है, इसीलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। यदि आप खाते हो, आपको पसंद हो, तो इसमें 150 ग्राम के करीब आप लहसुन भी डाल सकते हैं। उसको भी मोटा मोटा पीस के और आप उसमें डाल सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी सरसों तेल, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और 2-3 दिनों तक मैं इसे धूप दिखाऊंगी अच्छे से। यदि धूप नहीं निकले फ्रेंड तो आप इसको ऐसे जगह पे रखिए जहां मॉइस्चर नहीं हो, नहीं तो अचार जहाँ यदि मॉइस्चर होगा तो फिर वहाँ पे अचार खराब हो जाएगा। इसको एयर टाइट कंटेनर में आप बंद करके और रखिए और ये अचार 1 साल तक पूरा आप खा सकते हैं, खराब नहीं होता है। फ्रेंड्स, ओल को बहुत जगह सूरन बोला जाता है, बहुत जगह इसे जमीकंद बोला जाता है। और ये भी 2 तरह का होता है, एक देसी होता है और एक मद्रासी होता है। जो मद्रासी होता है उसको काटने से तो हाथ में फ्रीली नहीं होती है छूने से, लेकिन यदि जो देसी ओल है उसको छूने से हाथ में फ्रीली होती है। यदि देसी ओल है आपका तो आप हाथ में सरसों का तेल लगा के उसके बाद उसको छीलिए, धोइए या कद्दूकस करिए। अचार अब हमारा रेडी है। अब इसे मैं 2-3 महीने तक धूप दिखाऊंगी और उसके बाद ही ये खाने लायक हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप भी ओल का अचार बनाइए और खा के अपना अनुभव मुझे बताइए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर से दबाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।